जय हिंद दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों अध्ययन करने वाले क्लास इलेवंथ में जो हम लोग चित्रा की बुक से एक्टिव की बुक से पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम लोग एक्सेस थ्री के जो एम है इस क्वेश्चन को करने वाले हैं इसके सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसकी प्रीवियस वीडियो में दोस्तों लोगों ने एक्सरेस थ्री को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है अब हमने हमारे पास एम सी क्यू बचा है वो करें क्योंकि अब पता तो है चाहे एन डी ए हो चाहे आपका एयरफोर्स हो और चाहे आपकी जे ई हो आई आई टी में हो सभी में इसकी जो एम सी क्यू क्वेश्चन है ये बहुत ज़रूरी है और बोर्ड एग्जाम में भी तो इसमें जरूरी है आपकी एग्जाम हो कोई भी एग्ज़ाम हो तो कंपटीशन में अधिकतर आप लोगों को एम सी क्यू तो क्लियर होना ही चाहिए जिससे कि आप लोग कॉम्पटिशन को एकदम आसानी से क्रैश कर सको ठीक देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखो जरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन में आपके पास यह है कि साइन थीटा प्लस कौशे थीटा बराबर दो साइन थीटा प्लस कॉशक थीटा बराबर दो तो यह कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्वासे स्क्वायर थीटा का मान जरा ज्ञात करके दिखाओ देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे जानते हो तो वो सेम मान दिया है और सेम का स्क्वायर है तो हमेशा दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया करो क्या कर दिया करो दोनों पक्षों में वर्ग तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में क्या करने पर वर्ग करने पर अब कुछ बच्चे का कमेंट आता है कि सर जी शॉर्ट ट्रिक में बता दिया करो एमसीक्यू शॉर्ट ट्रिक में क्यों हम लोग यहाँ पर इस समय कंपटीशन लेवल की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं हम लोग इस समय बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं अपने अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ठीक है थीके? अगर आप एमपी बोर्ड से हो तो एमपी की बोर्ड की तैयारी यूपी बोर्ड से हो तो यूपी बोर्ड की तैयारी राजस्थान बोर्ड से हो तो राजस्थान बोर्ड की तैयारी हरियाणा बोर्ड से हो जिस बोर्ड से उस बोर्ड की तैयारी तो बोर्ड की तैयारी करने के लिए हमें उसको दिखाना पड़ता है ठीक है और अगर कंपटिशन की तैयारी करेंगे तो डायरेक्ट बताएंगे इसको तो इसका होल स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी तो टू साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर दो का वर्ग चार यहां पर क्या होगा दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा हाँ यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना आप लोग कि जो कॉसेक थीटा है ये एक बटे साइन थीटा का रूप है फार्मूला है ठीक तो यहाँ पर इसको तो बने रहने दो इसे ही तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्वासेक स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इसको चेंज करो एक बटे साइन थीटा के रूप में बराबर चार इससे ये कैंसिल इसको उठा कर उधर पच्छांतर कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉशेक् स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा दो और आंसर हो गया आंसर हो गया तो ऑप्शन आपके पास सी पार्ट सही हो गया तो कौन सा पार्ट सही है सी पार्ट सही है दूसरे में क्या कहा गया है टेन थीटा बराबर एक बटे दो टेन फाइव बराबर एक बटे तीन टेन थीटा बराबर एक बटे दो टेन फाइव बराबर एक बटे तीन तो थीटा प्लस फाइव का मान जरा इन्हें ज्ञात करके दिखा दो थीटा प्लस फाइव का मान लो जी कैसे ज्ञात करके दिखाएंगे इसको प्लस वाला है तो टेन और टेन का ही तो मान दिया गया तो टेन ए प्लस बी का रूप लगा देंगे हम लोग तुम्हारे पास फार्मूला हम लोग फार्मूले से भली भांति परिचित है क्योंकि पूरा त्रिकोण व्यक्ति पढ़ के आए हैं तो टेन थीटा प्लस फाइव फार्मूला होता है टेन थीटा प्लस टेन फाइव बटे वन माइनस टेन थीटा टेन फाइव ठीक मान को केवल रखना है यहां पर बस मान को रखना है टेन के जगह टेन लिखो थीटा प्लस फाइव जगह फाइव लिखो टेन थीटा के जगह एक बटे दो लिखो प्लस टेन फाइव की जगह एक बटे तीन लिखो बटे वन माइनस एक बटे दो इंटू एक बटे तीन तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा प्लस फाइव बराबर भिन्न करो दो तीन एकम तीन दो एकम दो तीन एकम तीन दो एकम दो तीन दूनी छः बटे तीन दूनी छः छः एकम छः माइनस एक बटे तीन दूनी छः छः से छः कैंसिल तो टेन थीटा प्लस फाइ बराबर पांच बटे पांच कट कर हो गया एक ये एक जानते हो किस का मान है टेन पैंतालीस का मान है टेन पैंतालीस का मान है ये पैंतालीस को लिखते पाई वाई फोर टेन से टेन कैंसिल तो थीटा बराबर नहीं थीटा प्लस फाइव बराबर ये हो जाएगा पाई वाई फोर लिखो या फिर पैंतालीस लिखो दोनों ही आपके पास आंसर हो गया कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है डी पार्ट सही हो गया आपके पास तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया डी पार्ट तो कंपटीशन में कंपटीशन में केवल आपको क्या करना होता है टिक मानना होता है क्वेश्चन नंबर तीन को देखिए क्वेश्चन नंबर तीन में है कि टेन एक टेन दो टेन तीन ये बहुत बार हमने देखा है कि एनडीए में ये पूछा गया है एयर एनडीए में पूछा गया एनडी एनडीए में अधिकतर देखा हमने इसको डॉट 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 टेन नवासी कमान ज्ञात कीजिए देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे जानते हो हमेशा किसी का भी मान नब्बे हो नब्बे आ रहा है कि नहीं ये देखोगे टेन एक और टेन नवासी जोड़ो नब्बे टेन दो नवासी का अट्ठासी तो नब्बे तीन फिर सत्तासी नब्बे ऐसे कर कर के सब में देखो 90 नब्बे आ जाएगा बीच में केवल एक संके स्ट्रा बचेगा वो पैंतालीस है और टेन पैंतालीस का मान भी एक ही होता है तो हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर देंगे एक डायरेक्टली क्या कर देंगे एक अगर आप लोग ऐसे डायरेक्टली एक करोगे या फिर ऐसे कर सकते हो इसको चेंज करोगे टेन नब्बे माइनस एक से तो हो जाएगा कॉट एक और कॉट एक चेंज टू एक बार आपको दिखाते हैं जैसे टेन एक है ना टेन एक डॉट डॉट टेन नवासी तो टेन एक डॉट डॉट टेन को लिख सकते हो कॉट नब्बे माइनस एक नवासी तो बचेगा तो टेन एक डॉट डॉट ये हो जाएगा नहीं इस इसमें टेन का टेन लिखो टेन ये हो जाएगा कॉट एक और कॉट थीटा एक बटे टेन थीटर होता है तो टेन एक डॉट डॉट एक बटे टेन एक इससे ये कैंसिल ठीक अब एक चीज का ध्यान रखना तो इससे ये कैंसिल हुआ इससे अट्ठासी कैंसिल होगा इससे सत्तासी कैंसिल होगा ऐसे डॉट डॉट सब कैंसिल होता जाएगा लास्ट में बीच में पैंतालीस है वो सिंगल बच्चे पैंतालीस का मान एक होता है हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बी पार्ट आपका बी पार्ट सही हो गया अब देखो क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन नंबर चार को देखो चार में है वन माइनस टेन स्क्वायर पंद्रह बटे वन प्लस टेन स्क्वायर पंद्रह वन माइनस टेन स्क्वायर पंद्रह बटे वन प्लस टेन स्क्वायर पंद्रह देखो दोस्तों आपको फार्मूले से लिंक करा देते हैं फिर भी आप लोग पढ़ के तो आए हो हम जानते हैं कॉस टू थीटा ये होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है ये तो इस फार्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा टेन तीसरी कॉस तीस कॉस तीस कैसे देखो थीटा जगह पंद्रह है तो कॉस तीस हो जाएगा ना पंद्रह दोनों तीस और कॉस तीस का मान अंडर रूट तीन बटे दो देखो जरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया सी पार्ट कौन सा सही हो रहा है सी ऑप्शन नंबर सही है हाँ क्वेश्चन नंबर पाँच सेम फिर ये हमने आपको एनडीए में कई बार हमने देखा इसको? है इसको पूछा जाता है एनडीए में कॉस एक कॉस दो कॉस तीन कॉस एक कॉस दो कॉस तीन डॉट डॉट कॉस एक सौ नवासी ने एक सौ उन्यासी मान है दो का मान है। अब यहां पर देखो यहां पर अलग नियम हो जाएगा समझना ये हो गया 180, इन दोनों को जोड़ोगे तो 180, इसमें 90 नब्बे का फर्क है 90, 90 सब 90, इसमें देखो 180, फिर दो और यहां पर एक है उसको जोड़ दो सौ फिर फिर है तो जोड़ दो 180, तो सब में 180 आता जाएगा बीच में एक संख्या बचेगा कॉस नब्बे के रूप में ले लेंगे उसको ठीक फिर से एक बार समझ लो समझना यहां पर इसको इसको जोड़ोगे तो 180, इसको इसको जोड़ोगे तो 180 सौ अस्सी यहाँ पर अठहत्तर है एक सौ इसको इसको जोड़ोगे तो 180 ऐसे सबको जोड़ते जोड़ते जाओगे तो 180 पाओगे क्या पाओगे 180 पाओगे लेकिन एक संख्या आपके बीच में बचेगा एक संख्या आपके बीच में बचेगा और जो हम है। कि हम लोग जानते हैं देखो आपको बता देते हैं आप लोग जानते हो कि साइन नब्बे का मान क्या होता है एक और कॉस नब्बे का मान क्या होता है जीरो तो एक संख्या जो बचेगा वो कॉस नब्बे के फॉर्म में बचेगा और उसका मान हो जाता है जीरो तो ये बचेगा आपके पास जीरो क्या हो जाएगा जीरो इस क्वेश्चन का हीरो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी नंबर क्वेश्चन नंबर छ को देखो टेन थीटा बराबर तीन टेन थीटा बराबर तीन ठीक तो थीटा तीसरे चतुर्थांश में है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए साइन थीटा का मान हमें ज्ञात करके इनको देना है और थीटा जो है वो थर्ड चतुर्थांश में है चतुर्थांश आप लोग जानते हो ना ये चतुर्थांश कहते हैं ये प्रथम चतुर्थांश ये द्वितीय चतुर्थांश ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश प्रथम में सभी पॉजिटिव सेकेंड में साइन और कॉशेक पॉजिटिव और थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव और ये होता है कॉस पॉजिटिव ये होता है कॉस सेक पॉजिटिव तो कौन से चतुर्थांश में थर्ड में तो टेनकॉट को छोड़कर सभी मान माइनस में हैं तो साइन का मान भी किस में होना चाहिए माइनस में अब टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या है टेन थीटा बराबर तीन है बटे एक मान लो हम लोग जानते हमको त्रिभुज बना लेंगे और लम्बटे आधार होता है लम्बटे आधार कड़ चाहिए आपको तो कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग तो ये हो जाएगा आपके पास दस तो कड़ का हो जाएगा अंडर रूट दस तो ये हो जाएगा अंडर रूट दस और साइन थीटा का मान पूछा गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ तो लंब बटे कण लंब क्या है एक बटे कड़ क्या है अंडर रूट दस माइनस और लगा दो का क्यों क्योंकि आपको पता है कि तीसरे तीसरे चतुर्थांश में टेन तो कॉट धनात्मक होता है ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है ऑप्शन इसी का भाई बी पार्ट सही हो गया क्वेश्चन नंबर अब देखो सात क्वेश्चन नंबर सात सात में है टेन पचहत्तर कॉट पचहत्तर का मान ज्ञात कीजिए टेन पचहत्तर माइनस कोट पचहत्तर का मान इनको ज्ञात करके दो टेन पचहत्तर का मान आपको निकलना अमरी सिखाया था आपको थ्री पॉइंट सिक्स में टेन पचहत्तर को लिख सकते हो पैंतालीस तीस से निकालोगे ना तो टेन पचहत्तर का मान होता है दो प्लस अंडर रूट तीन माइनस इसका मान होता है दो माइनस अंडर रूट तीन माइनस होने पर अंदर गुणा किया आता है तो दो प्लस अंडर रूट तीन माइनस दो प्लस अंडर रूट तीन इससे ये कैंसिल ये दोनों जुड़कर हो गया दो अंडर रूट तीन कौन सा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन पहला ही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन पहला ऑप्शन आपके पास सही हो गया है पहला ही ऑप्शन फटाफट स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर अब आठ को देखो क्वेश्चन नंबर आठ टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर एम बटे एम प्लस वन यम बटे यम प्लस वन और टेन बीटा बराबर ये अल्फा है टेन बीटा बराबर एक बटे टू एम प्लस वन एक बटे टू एम प्लस वन तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको इनको ज्ञात करके देना है तो अल्फा प्लस बीटा का मान इनको ज्ञात करके देना है फार्मूला ऐसे कंडीशन में हमेशा हम लोग यही फार्मूला लगाओगे हो टेन होने पर टेन अल्फा प्लस बीटा साइन होने पर साइन अल्फा बीटा कॉस होने पर कॉस तो ये होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा आप लोगों को एक चीज बता दे कि आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़ के जा रहे हो बहुत अच्छी बात है क्योंकि क्लास ट्वेल्थ में जाकर आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर टेन अल्फा की जगह यम बटे यम प्लस वन प्लस टेन बीटा की जगह वन अपॉन टू यम प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस यम अपॉन यम प्लस वन इन ये हो जाएगा वन अपॉन टू यम प्लस वन अब इसको लिखेंगे टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका मल्टीफिकेशन इसके करो तो यह हो टू एम स्क्वायर प्लस यम इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें करोगे तो यम प्लस वन बटे इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास यम प्लस वन और ये हो जाएगा टू यम प्लस वन डिवाइडेड बाई इसका इसमें मल्टीप्लाई करो इसके साथ भिन्न कर लो तो इसका गुणा इसमें करोगे तो दो यम स्क्वायर इसका गुणा इसमें करोगे तो प्लस का यम इसका गुणा करोगे तो दो यम और इसका गुणा करोगे प्लस एक इसका गुणा करके इसके साथ भी गुणा कर दिया और इसका गुणा इसमें करोगे तो यम एक एम बट इसका गुणा इसमें करोगे फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो यम प्लस वन और टू यम प्लस वन इससे इसको मारो कैंसिल तो ये हो जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हो जाएगा दो यम स्क्वायर प्लस दो यम प्लस एक दो स्क्वायर प्लस दो इन दोनों को जोड़कर प्लस एक जगह बटेगाएम स्क्वायर और इन दोनों इससे इसको मारो कैंसिल प्लस दो एम प्लस एक इससे इससे मारो कैंसिल तो एक ये टेन पैंतालीस का मान है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई वाई फोर। क्योंकि पाई वाई फोर रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा या है डी पार्ट अब देखो क्वेश्चन नंबर नौ क्वेश्चन नंबर नौ में क्या है क्वेश्चन नंबर नौ में है थ्री कॉस एक्स प्लस साइन एक्स फोर साइन एक्स थ्री कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स प्लस एट प्लस एट का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए का न्यूनतम मान बहुत इम्पोर्टेंट है न्यूनतम मान ज्ञात करना है चाहे एन की बात करो चाहे आई की बात करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूनतम मान और अधिकतम मान एक क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूनतम मान से और अधिकतम मान से देखो न्यूनतम मान कैसे निकालो सबसे पहले आपको अभी हमने जस्ट पीछे वाले एक्सर में पढ़ा है आपको हमने कि साइन एक्स प्लस कॉस यक्स का परास परास कैसे निकालते हम लोग हम लोग निकालते हैं अंडर रूट में इसका जो भी वर्ग है मतलब ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका गुणांकों का वर्ग लेते हैं अंडर रूट में तो वही हम लोग करेंगे तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि अंडर रूट में एक बार माइनस लिखेंगे समझना न्यूनतम के लिए माइनस और अधिकतम के लिए प्लस तो इसका गुणांक हो गया तीन का वर्ग प्लस इसका गुणांक हो गया चार का वर्ग इज लेस देन इक्वल्स क्योंकि न्यूनतम है ना तो थ्री साइन एक्स नहीं थ्री कॉस एक्स थ्री कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स एट को नहीं लिखेंगे बोले इतने का ही होता नहीं उन्तम इज लेस देन इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट में थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर अब ये हो जाएगा माइनस तीन त्रे का नौ प्लस चार चौक सोलह इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री कॉस x प्लस फोर साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू यह हो जाएगा प्लस अंडर रूट में नौ प्लस सोलह तो ये हो गया पच्चीस यानी पाँच तो माइनस पाँच इज लेस देन इक्वल टू तीन कॉस एक्स प्लस चार साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू प्लस का पाँच अब हमें ये आठ प्लस में है तो दोनों बच्चों में आठ को प्लस में लेने पर दोनों बच्चों में तीनों बच्चों में सभी में आठ प्लस में लेना लेना होगा ना हमें सभी में आठ को प्लस में लेना पड़ेगा अगर माइनस में होता तो सभी में माइनस लेते और प्लस में होता तो सब प्लस में लेते हैं जैसा सब जो होता है क्योंकि हमें यहां पे बनाना है ना प्लस ए, ए, एट भी तो बनाना है इन दोनों घटाओगे जो तो तीन इज लेस, लेस देन दो तीन कॉस एक्स प्लस चार साइन एक्स प्लस आठ देखो बन गया उसका रूप इज लेस देन इक्वल्स टू तेरह अब ये अधिकतम मान है और ये न्यूनतम मान है तो लोग कहेंगे न्यूनतम मान हमारे पास क्या है तीन और अधिकतम मान पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछा जाता है फिर भी बताते अधिकतम मान हमारे पास क्या हो गया तेरा वैसे आंसर क्या है आंसर तीन है तो ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन डी पार्ट सही है ऑप्शन डी पार्ट सही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दस क्वेश्चन नंबर दस दस में है साइन पैंतालीस प्लस थीटा माइनस साइन पैतालीस प्लस थीटा माइनस कॉस पैतालीस माइनस थीटा दो थीटा को मारो ईटा आ जाएगा आंसर कैसे हम लोग जानते हैं कि साइन नब्बे माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इसको चेंज करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा साइन पैतालीस प्लस थीटा माइनस इसको लिख सकते साइन नब्बे प्लस नहीं नब्बे माइनस पैतालीस प्लस थीटा प्लस थीटा कैसे हो गया माइनस करने पर इधर वाला चिन्ह को बदल दीती है बराबर ये हो जाएगा साइन पैतालीस प्लस थीटा माइनस घटाओगे तो साइन पैतालीस प्लस थीटा ये दोनों कैंसिल और ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा था दस डी पार्ट कौन सा ऑप्शन सही हो गया है डी पार्ट सही हो गया है है ना देखो क्वेश्चन नंबर दस के बाद ग्यारह दस के बाद ग्यारह ग्यारह में है कॉट पाई बाई फोर प्लस थीटा क्या है कॉट पाई बाई फोर प्लस थीटा फिर कॉट पाई बाई फोर माइनस थीटा कॉट पाई बाई फोर माइनस थीटा देखो थीटा को मारेंगे ईटा उससे पहले इसको ईटा मारने के लिए यहाँ पर कॉट थीटा इजिकल्स टू कॉस थीटा बट ए साइन थीटा ये होता है आंसर केवल इतने का आंसर है ये हम्म हो जाएगा कॉस पाई बाई फोर प्लस थीटा और यह हो जाएगा कॉस पाई बाई फोर माइनस थीटा बटे ये हो जाएगा साइन पाई बाई फोर प्लस थीटा साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा अब यहाँ पर फिर से मारो ईटा देखो तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इसका फार्मूला होता है तो हम लोग फार्मूले का प्रयोग करेंगे ठीक है तो ध्यान रखना बी का फार्मूला इसमें प्रयोग करेंगे तो एक कोष्टक में कॉस ए प्लस बी और एक कोष्टक में कॉस ए माइनस बी कॉस सिंगल नहीं होता कॉस स्क्वायर ए माइनस बी नहीं होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है और साइन में दोनों साइन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी पर साइन ए माइनस बी फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है और साइन स्क्वायर में दोनों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है ठीक तो यहाँ पर यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थ्री फाइव बाई फोर पाई बाई फोर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई वाई फोर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस पाई बाई फोर का मतलब कॉस पैंतालीस कॉस पैंतालीस का मान एक बटे दो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन पैंतालीस का मान भी एक बटे अंडरवुड दो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये कैंसिल और ये बच्चा एक ऊपर नीचे कैंसिल होने पर बहुत से बच्चे जीरो कर देते जीरो ही एक होता है <début> <début>. हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया सी पार्ट सही हो गया इसका सी पार्ट सही हो गया अगर आपके बुकों का ना ऑप्शन चेंज है ना तो ऑप्शन आप लोग देख लेना फटाफट इतने का स्क्रीन शॉट कर लो जरा आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर अब करेंगे हम लोग बारह नंबर करेंगे देखो बारह नंबर बारह नंबर में है कॉस्ट टू थीटा कॉस्ट टू फाइव कॉस्ट टू थीटा कॉस्ट टू फाइव फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव थीटा प्लस फाइव का मान इनको ज्ञात करके देना है अभी हमने फार्मूला प्रयोग किया था ना वही फार्मूला प्रयोग करेंगे लोग तो कॉस टू थीटा कॉस टू फाइव प्लस ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर वी का फार्मूला है तो एक बार हम लोग क्या करेंगे थीटा माइनस फाइव प्लस इसको जोड़ेंगे तो थीटा प्लस फाइव और एक बार इसको घटाएंगे तो साइन थीटा माइनस फाइव माइनस थीटा माइनस फाइव माइनस फाइन पर अंदर घुड़ा करते इसको चिन्ह को बदल देते हैं फाइव से फाइव कैंसिल थीटा से थीटा कैंसिल तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस टू थीटा कॉस टू फाइव और ये प्लस साइन ये हो जाएगा टू थीटा साइन माइनस टू फाइव साइन माइनस टू फाइव साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो कॉस टू थीटा कॉस टू फाइव ये प्लस को माइनस कर देंगे साइन टू थीटा साइन टू फाइव देखो ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है ये ये फार्मूला है किसका कॉस ए प्लस बी का ए प्लस बी ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फार्मूला है ये और इस फार्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा कॉस टू थीटा प्लस टू फाइ टू ले लो कॉमन तो हो जाएगा कॉस टू थीटा प्लस फाइ कौन सा ऑप्शन ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन आपका है बी पार्ट बी पार्ट आपका सही हो गया है क्वेश्चन नंबर तेरह क्वेश्चन नंबर तेरह देखो कौस बारह प्लस कॉस चौरासी कोस बारह प्लस कॉस चौरासी प्लस कॉस एक सौ छप्पन कोस एक सौ छप्पन प्लस कॉस एक सौ बत्तीस का मान इनको ज्ञात करके दे दो तो देते हैं इसमें शर्माने वाली क्या बात है देखो सबसे पहले इन दोनों को हल करेंगे और इन दोनों को हल करेंगे इसको सी मानेंगे और इसको डी मानेंगे इसको सी मानेंगे इसको डी मानेंगे अब फार्मूला इसमें प्रयोग करेंगे हम कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी वाई टू कॉस सी माइनस डी वाई टू इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे देखो तो यह हो जाएगा कॉस इन दोनों को जोड़ोगे इन दोनों को आप लोग जोड़ोगे तो कितना बचेगा एक सौ चवालीस एक सौ चवालीस बटे दो फिर कॉस दो को तो लिखो इन दोनों को घटाओगे और कॉस माइनस थीटा प्लस में ही कॉस थीटा होता है ठीक है तो इन दोनों को जब घटाओगे तो कॉस एक सौ बीस बटे दो फिर प्लस कौन सा प्लस है? ये प्लस इन दोनों को तो दो कॉस अब इन दोनों को एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे घटाने पर कॉस जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता ना लेकिन कॉस माइनस थीटा प्लस में ही कॉस थीटा होता है ठीक है तो ये हो जाएगा 240, दो सौ चालीस बटे दो कॉस बहत्तर बटे दो घटा को घटाओ जोड़ो ये कैंसिल हो गया तो यह हो गया सात दो बहत्तर और ये हो गया साठ ये हो गया एक सौ बीस और ये हो गया छत्तीस तो यहाँ पर दो कॉस बहत्तर और कॉस साठ कॉस साठ का मान होता है एक बटे दो माइनस माइनस कैसे भी बताते हैं दो कॉस कॉस एक सौ बीस का मान होता है चलो तो यहाँ रख देते हैं माइनस एक बटे दो ठीक और कॉस छत्तीस इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल अब यहाँ पर बचा कॉस बहत्तर माइनस कॉस छत्तीस यहाँ पे आपको मान तैयार होना चाहिए तो मान आपको कॉस बहत्तर का बता देते हैं कॉस बहत्तर का मान होता है अंडर रूट पाँच माइनस एक बटे चार और इसका होता है अंडर रूट पाँच प्लस एक बटे चार ठीक दोनों का एलसीएम बराबर है तो जगह चार तो अंडर रूट पाँच माइनस एक माइनस अंडर रूट पाँच माइनस एक इससे ये कैंसिल तो माइनस दो बटे चार अर्थात कटकर जगह माइनस एक बटे दो कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों आपके पास आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया क्वेश्चन नंबर चौदह क्वेश्चन नंबर चौदह में है टेन ए बराबर एक बटे दो और बी बराबर एक बटे तीन और बी बराबर एक बटे तीन ठीक तो आपसे पूछे टेन टू ए प्लस बी का मान याद कीजिए टेन टू ए प्लस बी का मान याद कीजिए तो यहां पर तो सबसे पहले टेन टू ए का फॉर्मूला टेन टू ए का मान कर गया टू टेन ए की जगह एक बटे दो वन माइनस एक बटे चार हो जाएगा यहाँ तो इससे इसको काटो तो एक बटे चार चार से घट गया तीन बटे चार अर्थात ये हो जाएगा चार बटे तीन चार बटे तीन किसका माना गया चार बटे तीन जो है ये टेन टू ए का मान आया है केवल ठीक है अब हम लोग टेन टू ए प्लस इसका मान पूछा गया है तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे टेन टू ए प्लस बी का ये होता है टेन टू ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन टू ए टेन बी हम्म तो देखो टेन टू ए का जगह लिखोगे चार बटे तीन चार बटे तीन प्लस टेन बी के जगह लिखेंगे हम लोग एक बटे तीन बटे वन माइनस चार बटे तीन इंटू एक बटे तीन ये हो जाएगा पाँच बटे तीन हर बराबर है ना और तीन तरह का नौ नौ एक नौ नौ से चार घटा तो पाँच बटे नौ तो यह हो जाएगा पाँच बटे तीन इंटू नौ बटे पांच इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल तीन तो हमारे पास आंसर आ गया तीन कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों आपका आप लोग कहोगे कि आपका सी पार्ट सही हो गया हाँ तो सी पार्ट सही हो गया क्वेश्चन नंबर पंद्रह क्वेश्चन नंबर पंद्रह को देखिए साइन पचास माइनस साइन सत्तर साइन पचास माइनस साइन सत्तर प्लस साइन दस का मान ज्ञात कीजिए देखो तो इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी कौन सा सूत्र है हमारे पास कॉस्ट चलो इसको इन दोनों को लगाते हैं इन दोनों में फार्मूला लगा देंगे साइन सी प्लस साइन डी जो कि फार्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी वाई टू कॉस सी माइनस डी वाई टू इस फार्मूले का हम लोग इसमें प्रयोग करने वाले हैं तो इस फार्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा हमारे पास टू साइन इन दोनों को जोड़ो तो साठ बटे दो और इन दोनों को घटाओ तो चालीस बटे दो माइनस साइन अब इसको चेंज कर लो इसको कर सकते हैं साइन नब्बे माइनस बीस साइन नब्बे माइनस बीस क्या होता है कॉस सत्तर साइन सत्तर हो जाएगा हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा इसको काटो तीस और दो इंटू साइन तीस का मान एक बटे दो और इसको काटो बीस यहाँ पर दोस्तों कॉस है तो यह हो कॉस बीस माइनस साइन नब्बे माइनस थीटा कॉस थीटा तो कॉस बीस इससे ये कैंसिल तो जगह कॉस बीस माइनस कॉस बीस ये कट कर हो गया जीरो और यही क्वेश्चन का हो गया आंसर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों देखो जरा तो आप लोग का बी पार्ट सही हो गया कौन सा पार्ट सही हो रहा है आपका बी पार्ट सही हो गया क्वेश्चन नंबर सोलह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक साइन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक तो साइन टू थीटा का मान जरा इन्हें ज्ञात करके दिखाओ तो आप लोग क्या करोगे दोनों पक्षों में वर्ग कर दोगे दोनों पक्षों में क्या कर दोगे दोनों पक्षों में वर्ग करोगे वर्ग क्यों करोगे क्योंकि अभी देखो बताते हैं इसका होल स्क्वायर खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू साइन थीटा थीटा बराबर एक बार एक ये फार्मूला है साइन टू थीटा का इसलिए ये फार्मूला हो गया आपके पास एक प्लस ये हो जाएगा साइन टू थीटा बराबर एक इससे ये कैंसिल तो आप लोग कहोगे साइन टू थीटा बराबर जीरो साइन टू थीटा का मानी तो पूछा गया था ना देखो साइन टू थीटा का मानी तो पूछा गया था तो जीरो तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपके पास सी पार्ट आपका सी पार्ट सही हो गया है हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका सत्रह चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इतने का क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे सत्रह सत्रह में एल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बाई फोर एल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बटे चार तो इनका कहना है कि वन प्लस टेन अल्फा और वन प्लस टेन बीटा का मान जरा ज्ञात करके बताओ। हूँ वन प्लस टेन अल्फा और वन प्लस टेन बीटा का मान जरा इन्हें ज्ञात करके दे दो देखो सबसे पहले इसमें दोनों पक्षों में टेन लेने पर हम लोग दोनों पक्षों में टेन लेने पर क्यों टेन लेंगे टेन में आंसर दे रहा ना तो इसका टेन ए प्लस बी का रूप में खोल रहा इसको टेन तो एल्फा प्लस टेन बीटा बटे वन माइनस टेन एल्फा टेन बीटा बराबर टेन बाई फोर और टेन पैंतालीस का माना होता है एक थोड़ा सा लाइन कम कर लिया फिर से एक बार यहाँ पर भी आप लोग टेन ले लोगे ना यहाँ पर भी आप लोग टेन ले लोगे टेन और यहां पर भी आप लोग टेन ले लोगे तो ये टेन ए प्लस बी का रूप हो गया और ये टेन पैंतालीस का मन होता है एक ये बटे में गुणा में पहुंच जाएगा तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा इसको उठाकर पक्षांतर करके ले आओ तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस हो जाएगा टेन अल्फा टेन बीटा बराबर एक दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एक क्यों जोड़े कॉमन लेने के लिए यहाँ पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो एक कॉमन है तो ये बचेगा एक प्लस टेन प्लस इसमें टेन बीटा कॉमन हो गया तो बचेगा एक प्लस टेन बराबर दो इन दोनों में देखो वन तो प्लस टेन एल्फा कॉमन है टेन एल्फा कॉमन है और ये हो गया वन प्लस टेन बीटा बराबर ये हो जाएगा दो तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो गया आपके पास तो आप लोग कहोगे कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर है इसका है बी सत्रह सत्रह का बी पार्ट सही हो गया सत्रह कौन सा पार्ट सही है बी पार्ट सही है क्वेश्चन नंबर 18. 18 में देखो साइन बराबर माइनस चार बटे पांच ठीक है तो साइन बराबर माइनस चार बटे पांच थीटा तीसरे चतुर्थांश में है और तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोठ ही प्लस में होता है सब माइनस होते हैं तो कोस थीटा बटे दो का मान याद करना आपको कोस थीटा बटे दो का मान आपको ज्ञात करना है सबसे पहली बात तो यह है कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला हम लोग एक जानते हैं कॉस थीटा बराबर फार्मूला यूज करोगे अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस फार्मूले से आप लोग ये प्रयोग करोगे जानते हो ये कॉस स्क्वायर थीटा पहले साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है उसी से बन के आया है क्योंकि कॉस थीटा में चाहिए क्यों चाहिए अभी बताते हैं तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वार थीटा तो चार का वर्ग है सोलह पाँच का, का वर्ग हो गया पच्चीस ठीक तो ये हो जाएगा आपके पास पच्चीस से कम पच्चीस सोलह गया नौ नौ का तीन बटे पाँच हो जाएगा पच्चीस से कम पच्चीस पच्चीस से सोलह गया नौ नौ तीन का वर्ग है और पच्चीस पाँच का वर्ग है कॉस थीटे बड़ा तीन बटे पाँच आ गया अब जो कॉस एक, एक ए बाई टू का फार्मूला होता है कॉस ए बाई टू होता है अंडर रूट में वन प्लस कॉस ए बटे दो ये किसका फार्मूला है ये कॉस ए बाई टू का फार्मूला है दोस्तों क्योंकि हमें थीटा बटे दो का मान ज्ञात करना है ना तो देखो यहां पर जगह जगह कॉस थीटा थीटा बटे दो बराबर अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा कॉस थीटा का वन तीन बटे पांच तो तीन बटे पांच बटे दो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे दो बराबर अंडर रूट में पांच एक पांच तीन आठ बटे पांच और इंटू दो ये हो गया दो ठीक दो चौको को आठ क्या हो जाएगा दो चौको आठ ठीक लेकिन एक चीज यहां पर आप आपको दिमाग लगाना है कॉस तीसरे चतुर्थांश में है तो इसको माइनस कर दो जरा तो ये फिर माइनस हो जाएगा पर पांच एकम पांच तो फिर ये हो जाएगा दो बटे पांच दो बटे पांच इंटू दो इससे ये कैंसिल तो बचा एक तो कॉस थीटा बटे दो बराबर हो जाएगा एक बटे अंडर रूट पाँच क्या हो जाएगा एक बटे अंडर रूट पाँच वो भी माइनस होना चाहिए क्योंकि तीस, तीसरे चतुर्थांश में है क्वेश्चन नंबर कौन सा है अठारह अठारह का आपके पास हाँ सी पार्ट सही है सी पार्ट है सही है क्योंकि माइनस होना चाहिए तीसरे चतुर्थांश में केवल टेन कोट ही प्लस और बाद बाकी सब माइनस क्वेश्चन नंबर उन्नीस उन्नीस में क्या है की अंतराल जीरो कॉमा दो पाई बंद अंतराल क्लोज इंटरवल जीरो कॉमा टू पाई में स्थित समीकरण टेन एक्स प्लस सेक्स टेन एक्स प्लस एक बराबर दो कॉस एक्स कॉस एक्स में मूलों की संख्या है हलों की संख्या नहीं मूलों की संख्या ठीक है देखो टेन थीटा होता है साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस सेक एक्स फार्मूला होता है एक बटे कॉस एक्स बराबर ये हो गया दो कॉस एक्स इन दोनों का हर बराबर है तो ऊपर हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर दो कॉस एक्स ये बटे में गोड़ पहुंच जाएगा तो so, वन प्लस साइन एक्स बराबर दो कॉस स्क्वायर एक्स अब यहाँ पर दिमाग लगाना है आपको कि ये फार्मूला प्रयोग करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स बराबर इस दो का अंदर गुणा भी तो होगा ना तो दो माइनस दो साइन स्क्वायर एक्स इन दोनों को उठा कर छंद्र के लिए हूं. तो प्लस म जाएगा दो साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स और प्लस वन माइनस दो बराबर जीरो तो यह हो जाएगा दो साइन स्क्वायर एक प्लस साइन और माइनस वन बराबर जीरो तो मूलों की संख्या उन्होंने पूछा तो मूलों की संख्या अब ध्यान देना अगर द्विघात समीकरण हो तो मूलों की संख्या होगी दो अगर त्रिघात समीकरण हो तो मूलों की संख्या होगी तीन चतुर्थघ घात हो तो मूलों की संख्या होगी चार तो मूलों की संख्या है दो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग कहोगे सी पार्ट सही आधिकतर हमारा देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर कोई क्वेश्चन हो सी पार्ट ज़्यादा ही सही हो रहा है क्वेश्चन नंबर बीस आखिरी टेन थीटा बराबर ए बटे बी टेन थीटा बराबर ए बटे बी तो बी कोश टू थीटा बी कॉस टू थीटा प्लस ए साइन टू थीटा का मान आपको ज्ञात करके देना है देखो दोनों का फार्मूला आपको लिंक करा देते हैं कॉस टू थीटा ये फार्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और फिर साइन टू थीटा ये होता है टू टेन थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ठीक है देखो तो यहां पर बी को बी लिखो और वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखो फिर इस प्लस को प्लस लिखो फिर इस ए को ए लिखो फिर टू लिखो फिर से समझ लो बी को बी लिखो कॉस थीटा की जगह वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा के लिखो अभी इसको लिख रहे हैं और ए के जगह ए इस टू के जगह टू और टेन थीटा की जगह टेन थीटा लिखो हमने क्या किया एक लाइन कम कर लिया क्योंकि दोनों का हर बराबर है तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अब यहाँ पर बी को बी लिखो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान है ए बटे बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा टू ए ये हो जाएगा ए बटे बी बटे वन प्लस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा हाँ तो ये हो जाएगा बी ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्वास्थ्य हो जाएगा टू ए स्क्वायर बटे बी इस बी से ए बी कैंसिल बटे इसका थोड़ा इसमें हो जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इसमें दोनों का हर फिर से एक बार बराबर है ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बटे बी बटेगा ए स्क्वायर प्लस बी ये हो जाएगा आपके पास समझना बी इन दोनों घटाओगे तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बटे बी ए बी और इसको उल्टा लिखेंगे इसको लिखेंगे बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे इसको काटो और इससे इसको काटो तो पास क्या बचा बी बचा तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास सही हो गया है हमारे पास बी पार्ट सही हो गया है तो बी का बी पार्ट सही हो गया है इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने एक्सरसाइज थ्री के एम सी क्यू को कंप्लीटली खत्म कर लिया है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करके जाना क्योंकि आपको पता है मेहनत लगता ही है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों दोस्तों तो तो आप लोग जय हिंद जय जे भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए मस्त रहिए हर एक एक्सरसाइज में इस तरह से हमसे मिलते रहिए और प्यार बरसाते रहिए कमेंट सेक्शन में आकर थैंक्स फॉर वाचिंग जरूर के जाइए जिससे कि हमें मोटिवेट हम होते रहे आप लोग मोटिवेट हमें करते रहो ठीक है दोस्तों ट्रीन शॉट